आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज कवर करेंगे हम सभी 25 सितंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। दो दिन से क्लास नहीं आ रहा है, हालांकि सुबह 4:30 बजे वाला और शाम को 4 बजे वाला जीके का क्लास, यही दो क्लास आप सभी को मिल रहा है। बाकी तीन क्लास आप सभी को दो दिन से नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले सभी को सॉरी, हमारे यहां ना लाइट नहीं है और हमारे देश का प्रॉब्लम यही है कि चुनाव के समय ही जो है वो भाषणबाजी और काम स्टार्ट होता है, बाकी के 4 साल 5 साल ना कुछ होता ही नहीं है। और एक बात, जितने भी करेंट अफेयर में आप सभी को करवा दे रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन डेली कवर कर रहा हूं ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर से ना बने। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं या चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को मिलता रहे। और हमारा मेहनत, क्वेश्चन का कंटेंट क्वालिटी अगर आपको पसंद आता है ना, जान नजर आता है कंटेंट में, तो एक लाइक कम से कम आप इस वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा वीडियो देखने के बाद। और इस क्लास का संपूर्ण पीडीएफ, पूरा का पूरा जो पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में मौसा तरावरे जिनका निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये आप सभी को बताना है। और मैं आप सभी को बता दूं, जितना भी इंपॉर्टेंट निधन होता है ना, कम से कम आप वो चीज याद रखिएगा। और देखो, लोग तो बहुत मर रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हस्ती है, महत्वपूर्ण हस्ती है, वो मैं आपको डेली करेंट अफेयर में कवर करवा देता हूं। इनका जो निधन हुआ है ना, वो पूर्व राष्ट्रपति थे आपका माली कंट्री का, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अब माली का राजधानी क्या है आप सभी का? बमाको। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में, माली के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ये आप सभी को बताना है। तो उनका नाम है आपका सोमयालू बॉबी माइगा, ठीक है। ये आपको पॉइंट भी याद रखना है, यहां से कम ना जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट करवाता हूं 3 से 4 क्वेश्चन बस यहां से मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं करवा रहा हूं डेली। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस मेट्रो रेलवे निगम ने मेक इन इंडिया पहल के तहत एक स्वदेशी सिग्नल तकनीक जो है विकसित की है, आपको बताना है कहां पर विकसित हुआ ये। भैया कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, इसका आंसर क्या है पहले वो सुन लो। दिल्ली मेट्रो में यह लागू किया गया है। कहने का मतलब है, आप सभी देख पा रहे होंगे जब ट्रेन चलता है तो आगे देखते होंगे ना सिग्नल पोस्ट वगैरह है, तो वो सब जो पोस्ट आता है, अब वो एक ऐसा टेक्निक जो है वो विकसित किया गया जो सब कंप्यूटर्स आधारित होगा, सब ऑनलाइन, ठीक है। और उसको नाम क्या दिया गया है? ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन। ये आप याद रखना उस टेक्निक का नाम, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, ATS, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, टाइटन कंपनी, आप सभी को पता है ना घड़ी बनाती है टाइटन, टाइटन कंपनी ने ऑनलाइन भुगतान के लिए यानी पेमेंट के लिए ना, यानी अब आपके घड़ी में वो पेमेंट सिस्टम रहेगा, आप डायरेक्ट घड़ी में क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, कितना आसान हो गया ना। अब ये सब चीज करने के लिए ना टाइटन कंपनी जो है वो किस बैंक के साथ हाथ मिलाई है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। SBI के अध्यक्ष कौन है आपका? रजनीश कुमार, मुख्यालय मुंबई। और इसका टैगलाइन क्या है आपका? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और ये भी एक टैगलाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत पॉपुलर टैगलाइन है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बस आज ही करवा रहा हूं, एक महीना में देखोगे ना हर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने 10-10 बार रिपीट करवाया है, तो आपको क्लास में ही याद हो जा रहा है अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो।
गठन कब हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? 1 जुलाई 1955 को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार निगमित एमए ने आला बैंकिंग समाधान की पेशकश करने के लिए ना विश्व डेबिट कार्ड यानी कि वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ जो है वो हाथ मिलाया है? तो आपका SBM बैंक ऑप्शन नंबर हमारा बी। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे जहां भी लगता है कोई भी क्वेश्चन 10% भी इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं वो भी आपको करवा देता हूं ताकि करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन भी बाहर ना बने। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन अमेजन के द्वारा एलेक्सा की नई आवाज के रूप में जो है डील साइन किया गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले सुन लो। ये आप देख पा रहे हैं क्या, ये क्या है? ये एलेक्सा है। ये क्या काम करता है भैया? बहुत लोगों को पता भी है, नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। देखिए, ये जो सिस्टम है ना, ये जो टेक्निक है, ये जो डिवाइस है ना, ये मान लो आजकल के डेट में क्या हो रहा है, हर एक सामान, हर एक चीज जो है वो वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। आपके घर में अगर किचन का चिमनी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, लाइट है, पंखा है, अब क्या हो रहा है, सब वाईफाई बिल्ड आ रहा है, सब में वाईफाई लगा हुआ है। अगर उन सब को अगर इससे कनेक्ट कर दोगे ना, जो अमेजन का एक डिवाइस है जिसको क्या बोलते हैं, अलेक्सा, अगर इससे आप डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे और आप कहीं पर भी बैठे होंगे अपने घर में, अगर दूर से बोलोगे ना अलेक्सा टीवी को बंद कर दो, तो वो टीवी बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस उससे कनेक्ट है। अब अगर कभी आप अलेक्सा से कुछ पूछोगे ना, अलेक्सा मैं अभी कहां पर हूं, तो जो अब उधर से आवाज आएगा ना, वो अमिताभ बच्चन जी का आवाज आएगा, आप जो है अभी कलकत्ता में है। ऐसे मतलब अमिताभ का आवाज जो है अब अलेक्सा, पहले जो था, पहले एक लड़की बोलती थी, लेकिन अब अलेक्सा से आप जो कुछ भी पूछोगे ना, वो अब अमिताभ बच्चन के आवाज में जो है वो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कट टू कट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑनलाइन पॉकर प्लेटफॉर्म 9stake के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है ये? ऑनलाइन पॉकर का मतलब ताश, जो ताश गेम होता है ना, प्लेइंग कार्ड्स, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सुरेश रैना को। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां पर थोड़ा सा फोटो को नीचे करूंगा ताकि क्वेश्चन आप सभी को दिख पाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के कंटेंट में जाने। आप बोल नहीं सकते कि भैया एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो एग्जाम में नहीं आएगा। और मैं महीने भर में ना अगर हिसाब करोगे 450+ क्वेश्चन मोटा मोटी अप्रोक्स मैं आपको करवाता हूं एक महीने में, बहुत काफी है। आप बोलोगे भैया इतना तो कोई करवाता नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन एक महीना में, साल भर का जोड़ देंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 5000 के पार। मेरा मेन टारगेट ये है, आप सुबह में 15 से 16 मिनट अगर मस्त टाइम दोगे ना, तो मैं इतना तो करेंट अफेयर आपको करवा दूंगा कि क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी विमान कंपनी 2035 तक विश्व का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? आप देख पा रहे हैं ना, यही वो विमान का ना क्या बोल सकते हो, एक डायग्राम, एक डेमो लॉन्च किया गया है। ठीक है, ठीक से देखो ऊपर में यहां पर क्या लिखा गया, एयरबस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या लिखा गया है? आज के दिन यानी कि 25 सितंबर को। डेट याद रखिएगा, साथ ही साथ विषय भी याद रखना है, एग्जाम में कभी कभार आप सभी से विषय भी पूछ देगा, 2020 का विषय क्या है? तो वैश्विक स्वास्थ्य को बदलना, यह विषय दिया गया, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, यह 2020 का विषय है, याद रख, काफी इंपॉर्टेंट। आपको डेट भी याद रखना है और थीम भी याद रखना है, दोनों चीज आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत ने किस राष्ट्र को अपनी पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? कहां पर? मालदीव्स में। ऑप्शन नंबर हमारा डी। देख पा रहे हैं ना, क्लियर लिखा गया, लॉन्च ऑफ कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। और पहला क्वेश्चन यहीं से आप सभी का आज का निकल कर आ रहा है। मालदीव्स का करेंसी, मालदीव्स का कैपिटल यानी कि राजधानी मुद्रा और यहां के राष्ट्रपति का नाम, ये तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, मोदी जी के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू किया गया? बिहार में। अभी बिहार वाले लोग बहुत खुश होंगे, डेली नया नया घोषणा हो रहा है, ये बहाली वो बहाली, ये भर्ती वो भर्ती, ये योजना वो योजना। ऐसा लग रहा है कि मतलब बिहार का भाग चमक गया। क्यों भैया, क्या है? अरे बिहार में इलेक्शन है एक महीने के बाद, ठीक है। तो अभी घर तक फाइबर योजना का घोषणा किया गया है मोदी जी के द्वारा, कहां पर? बिहार में, बिहार का राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फगू चौहान, वहां के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। लोकसभा सीट 16, राज्यसभा सीट आपका 40। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इटालियन ओपन में पुरुष कैटेगरी में खिताब किसने जीता है? इनका नाम क्या है? सभी जानते हैं, स्टार प्लेयर हैं ये। क्या नाम है इनका? नोवाक जोकोविक। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब दो चीज याद रखना है, पहले तो ये इटालियन ओपन है, तो इटालियन का इटली का राजधानी क्या है? आपका रोम। मुद्रा यूरो। वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपका गिउस्पी कोंटे। लेकिन एक चीज और याद रखना है, ये जो खिलाड़ी आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना टेनिस का, जैसे फुटबॉल में लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिकेट में सचिन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसी तरह टेनिस का ये सुपरस्टार है। अगर एग्जाम में ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है यह किस कंट्री से है, तो याद रखिएगा सर्बिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राफेल विमान उड़ाने वाली महिला फाइटर पायलट के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली महिला फाइटर पायलट, यानी ये क्वेश्चन 2020 में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और हम लोग इस धरती पर रहे या ना रहे तब तक ये इंपॉर्टेंट, 2060 में भी, 21060 में भी, 22020 के एग्जाम में भी आएगा, जब तक दुनिया रहेगा। क्यों भैया? क्योंकि ये पहली, जब तक, जब भी क्वेश्चन में पहला पहली आएगा ना, तो वो क्वेश्चन आजीवन जीवित रहता है। तो पहला राफेल महिला फाइटर पायलट जो है वो किसे चुना गया है? क्या नाम है इनका? शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अब एक चीज और याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछेगा यह किस स्टेट से है, तो याद रखना, जित्तू भैया बताए हैं कौन से स्टेट से, ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 25 सितंबर का। क्लास अच्छा लगा होगा सभी को, एक लाइक कर जरूर ही इस वीडियो के तभी जाइएगा। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा ख्याल रखना, और अपने साथ साथ अपने देश का भी, ठीक है। जय हिंद।